morning, Rodana. I am Akansha and I represent myself as a boy. Good morning, everyone. I am Mani from class 5A. I am going to represent myself as a girl. Good morning, everyone. I am Nanki. I represent your mother. Good morning, everyone. I am Monique Mary and I represent myself as a teacher. Good morning, everyone. I am Ashi Gupta and I am representing myself as a neighbor. Good morning, everyone. I am Asher. I am representing myself as principal. Bye, Mama. I am going to school. Bye, Mama. I am also going to school. Bye, Beta. अरे आप श्वेता को स्कूल क्यों भेज रही हैं? उसे तो घर के काम करने चाहिए, आपके तो पैसे बहुत ज्यादा लगते होंगे। आप सिर्फ अपने बेटे निखिल को स्कूल भेजा करिए। ठीक है, मैं कल से श्वेता को स्कूल नहीं भेजूंगी। श्वेता इधर आओ। हाँ मम्मा, क्या हुआ? तुम कल से स्कूल नहीं जाओगी। पर क्यों? तुम्हें घर का काम करना है। ठीक है बेटा, तो इन दोनों कितना होता है? मम्मा 7। बेटा मैं तुम्हें स्कूल क्यों भेजती हूँ? मैं पढ़ने के लिए भेजती हूँ, तुम्हें ये सब नहीं आ रहा है। इट्स नॉट 7, इट्स 4। मैंने तुम्हें जितना बोला है उतना ही करो। जाओ, तुम छत पे से कपड़े लाओ। मैंने सारे काम कर लिए हैं। जाओ तुम यहाँ से। 4 कितने होते हैं टीचर? 2। तुम चलो प्रिंसिपल मैम के पास। मैम ये कुछ पढ़ाई नहीं करता है, इसको कुछ नहीं आता है अभी। तुम क्यों पढ़ाई नहीं करते हो? इनके पेरेंट्स को बुलाओ। जी मैम, बोलिए आपने मुझे स्कूल क्यों बुलाया है? ये कुछ क्यों नहीं पढ़ता है? आप इसे घर पे नहीं पढ़ाती क्या? मैम मैं पढ़ाती हूँ, आपसे ध्यान दूंगी। इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है। ट्रिंग ट्रिंग। श्वेता कितने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही है? मैं श्वेता को स्कूल नहीं भेज रही हूँ। क्यों? श्वेता घर का काम करेगी। अगर आपको उसे पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है तो हमारे स्कूल सेंट जोसेफ अकेडमी में 101 लड़कियों का एडमिशन फ्री में हो रहा है। ठीक है, मैं श्वेता को कल से स्कूल भेजूंगी। श्वेता इधर आओ। हाँ, क्या हुआ? तुम कल से स्कूल जाओगी। ठीक है। मम्मी वी आर गोइंग टू स्कूल। बाय मम। बाय बेटा। After 10 years. Mama, look, I got a degree of doctor. अरे वाह, तुम्हें डॉक्टर की जॉब मिल गई? हाँ। बेटा तुम्हारा? मम्मा मेरे एग्जाम। मम्मा मेरे एग्जाम में 100 out of 32 आया है। क्या तुम पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं देते हो? मैंने तुम्हें इसलिए स्कूल भेजा। सॉरी मम्मा। हमें लड़कों और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। लड़कियों को भी लड़कों की तरह ही शिक्षा मिलनी चाहिए। इस ड्रामे से हमें यही पता चलता है। धन्यवाद। माइक नीचे करिएगा।